हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, फाइनली इंडियन मार्केट में रियलमी ने उनकी एक नार्जो सीरीज की 50 सीरीज के अंदर 5G ऑप्शंस लॉन्च कर दिए हैं। नार्जो 50 5G के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में नार्जो 50 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, लेकिन वो 4G डिवाइस था। अब उसका एक अपग्रेड फोन नंबर वाइज में 5G के नाम से जो है अपग्रेड किया है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज भी है और कुछ कुछ जो है बेटर ऑप्शन भी है। तो गाइस, डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, बात करते हैं रियलमी नार्जो 50 5G के प्राइस सेगमेंट के बारे में। बेस वेरियंट है 4GB रैम के साथ में, जिसका बेस प्राइस है 1399 रुपीज। गाइस, मतलब आपको 15,000 रुपए के अंदर जो है रियलमी भी प्रोवाइड कर रहा है नार्जो के साथ में। आपको यहां पे नार्जो 50 5G का एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। जहां पे अगर हम पुराने वाले 50 वाले मॉडल से कंपैरिजन करते हैं तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन एक अच्छा स्मार्टफोन हम इसको बोल सकते हैं। अगर इस वाले प्राइस के अंदर जो है 1000 से 1500 का किसी कार्ड के साथ में जो है डिस्काउंट मिल जाए किसी सेल के अंदर, तो गाइस वो और भी अच्छा प्राइस बन जाएगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन के बारे में। इस फोन का जो लुक है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा है। आपको देख सकते हैं ये वाला लुक, मतलब यहां पे एक इंटरेस्टिंग लुक है और ये जो है शाइन करता हुआ कलर है। मतलब जो है इसका जो ब्लू कलर ना, वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। और यहां पे बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल के बारे में, तो यहां पे ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ दो कैमरा ऑप्शंस, मतलब जो है ड्यूअल कैमरा सेटअप है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल एक अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट डिजाइन की बात करते हैं तो वही है वाटर ड्रॉप नॉच, 6.6 इंच के डिस्प्ले के साथ में। IPS पैनल आपको देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। अब यहीं पे डिस्प्ले में अगर मैं पुराने वाले नार्जो 50 से कंपेयर करता हूं, जो कि 4G वाला ऑप्शन था, तो वहां पे था 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट, लेकिन 5G वाले के अंदर जो है 90 हर्ट्ज आपको पैनल देखने को मिलता है। तो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, 5G कैटेगरी का फोन है, चिपसेट आपको देखने को मिलेगा मीडियक का डायमेंसिटी 810। अब यहां पे जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो गाइस वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। 5G कैटेगरी का चिपसेट है और यहां पे 6 नैनोमीटर पे वर्क करता है। ओवरऑल एक गुड परफॉर्मेंस आपको जो है प्रोवाइड करेगा। वहीं कंपेयर करता हूँ इसके पुराने वाले फोन के साथ में, नार्जो 50 4G वाला, तो वहां पर यूज किया था मीडियक का हेलियो G96, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस था। और परफॉर्मेंस के मामले में हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं डायमेंसिटी 810 जो है एक अच्छा परफॉर्म प्रोवाइड करता है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, पुराना वाला जो फोन था नार्जो 50 4G वाला, वहां पे था ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी सेंसर था 50 MP के साथ में, और सेकंड और थर्ड कैमरा था वो था 22 MP का, वो कोई ज्यादा काम के कैमरा नहीं थे। लेकिन भी हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइमरी सेंसर है नार्जो 50 5G वाले का, वो है 48 MP के साथ में, और सेकेंडरी जो कैमरा है वो है 2 MP का, यहाँ पे डेप्थ को कवर करने के लिए। मतलब कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 MP कम कर दिए हैं, 50 से 48 कर दिया है। और वहीं बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको मिलता है यहाँ पे 8 MP का फ्रंट कैमरा 5G वाले के अंदर। 4G वाले के अंदर जो है 16 MP का कुछ है फ्रंट कैमरा देखने को मिलता था। तो गाइस, यहां पे जो है कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, थोड़े बहुत जो है यहां पे कॉस्ट कटिंग की है, थोड़ा बहुत यहां पे जो है चिपसेट चेंज किया है, या फिर जो है कैमरा को कम किया है, कैमरा एक गायब कर दिया है थर्ड वाला कैमरा, तो कुछ कुछ यहां पे ऐसे चेंजेस हैं। और गाइस, अगर बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग आउटपुट के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी है इन दोनों ही फोन के अंदर। 4G ले लो या 5G ले लो, आपको 5000 mAh बैटरी ही मिलेगी। और इन बॉक्स में जो चार्जर मिलेगा वो होगा 33 वॉट का चार्जर। अगर आप 4G लेते हो तो भी 33 वॉट का चार्ज मिलेगा, और 5G लेते हो तो भी उतना ही चार्ज आपको देखने को मिलेगा। चार्जिंग और बैटरी में जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है और कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, यहां पे ये था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप 4G वाले एकदम ज्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर जो है 5G पे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।